हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज रेसिपी वेज मंचूरियन, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, साथ में हेल्दी भी है। तो मैं आपको टिप्स ट्रिक के साथ बताऊंगी ताकि आपके मंचूरियन एकदम सॉफ्ट बने। और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो जो बच्चे वेजिटेबल्स खाना नहीं पसंद करते हैं, उनको आप इस तरह से वेजिटेबल्स को खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट एकदम हमारा मंचूरियन बना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है ये मंचूरियन। तो इसको बनाने के लिए हमने कैप्सिकम लिया है ये, और ऑनियन, और ये मैंने लिया कैरेट, ये जिंजर, जिंजर ज़रूर डालना है, और ये कैबेज लिया है, और ये स्प्रिंग ऑनियन लिया है। तो इन सारे वेजिटेबल्स का हम यूज करेंगे। अगर आपको और कोई वेजिटेबल पसंद है तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक टुकड़ों में कट कर लेंगे, फिर चॉपिंग चॉपर में चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ा सा महीन चॉप करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको चॉपर में कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया है, तो और सभी को मैं कर लूँगी। और ये मैंने कैप्सिकम को कर लिया है, और एक कैप्सिकम को हम चॉप करेंगे, और वन कैप्सिकम हम रखेंगे, उसको बाद में हमें यूज करना है। तो इसको एक बाउल में मैंने उसमें चॉपिंग में चॉप करके ले लिया है। अब मैं इसमें मैंने जिंजर ग्रेट किया हुआ लिया है यहाँ पे, और मैंने कैरेट को भी उसी चॉपर में चॉप कर लिया है, और मैंने एक कैरेट लिया है, और यहाँ पे 1/4 मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, और ये मैं अरारोट ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच, और 2 चम्मच यहाँ पे हम मैदा लेंगे, तो ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। और इसका फ्रेंड्स, जो वेजिटेबल्स हमने चॉप किया है उसमें थोड़ा पानी होता है, उसको हम निकाल लेंगे, पूरा बहुत अधिक नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है। अब ये सब आप अपने जितनी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप मैदा और अरारोट को थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम बॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से बॉल बना लूँगी, और थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे तो हमारे बॉल चिकने चिकने हो जाएंगे। और बहुत अधिक मैदा और अरारोट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे जो बॉल हैं वो हार्ड बन जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बॉल बनाएंगे, और ऑयल गर्म करने के बाद वो बॉल डाल के पहले हम एक बार देख लेंगे कि हमारा मंचूरियन फैल तो नहीं रहा है। अगर फैलता है तो आप 1 चम्मच और अरारोट या मैदा आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा मंचूरियन बिल्कुल फैला नहीं है, तो मैं उसी में फिर और भी ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसको चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी अच्छे से बाइंडिंग नहीं होती है तो हमारा मंचूरियन अलग अलग बिखर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमको एक मंचूरियन को तल के देख लेना है कि वो अच्छे से हो रहा है, बाइंड हो गया है कि नहीं, और निकल रहा है कि नहीं। तो देखिए हमने इसको पलट लिया है, जो हमने पहले डाला था उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो जल जाएगा, बाकी हमने बाद में डाला था। तो इस तरह से देखिए हमारे मंचूरियन एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बहुत अच्छे बने हैं, और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से हमें मंचूरियन को बना लेना है, और मंचूरियन बनाने के बाद उसको हम रख लेंगे एक साइड में, फिर हम इसको बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये जो पेस्ट हमने बनाया था उससे हम और भी बॉल बना लेंगे इस तरह से, बॉल बनाने के बाद, और फिर हम और उसको भी फ्राई कर लेंगे डीप, और उसके इस तरह से हमें करना ही है ताकि हमारे अच्छे से मंचूरियन बने। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे मंचूरियन फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो उसी तरह से हम और जो हमारे और भी बचे थे उसको भी हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसको भी एक साइड में रख लेंगे, और उसके बाद फिर हम इस ड्राई मंचूरियन बनाएंगे। आप इस मंचूरियन से ड्राई मंचूरियन भी बना सकते हैं, और जो है ग्रेवी मंचूरियन भी बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो वैसा बना सकते हैं। और मैं ड्राई मंचूरियन बनाया है, क्यों मैं इसको हमको ऐसे ही खाना था, तो मैं ड्राई मंचूरियन बनाऊंगी इसका। तो इस तरह से मैंने दूसरी बार भी इसको तल लिया है, और इसको हम जो है फॉक की हेल्प से अगर हम इसको पलट पलट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारा मंचूरियन ख़राब नहीं होगा। इस तरह से भी आप इसको उलट पलट कर सकते हैं और सेक सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। उसको भूनने के बाद फिर ये जो मैंने स्प्रिंग ऑनियन चॉप किया है वो, और कैप्सिकम और ऑनियन, इसको हम लेंगे। मैं यहाँ पे डायमंड चूरियन बना रही हूँ, तो सबसे पहले हमको इसको ऐड करना है, स्प्रिंग ऑनियन को। उसको अच्छे से भून लेना है। स्प्रिंग ऑनियन ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि उससे ही मंचूरियन का अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसको हमको ज़्यादा नहीं भूनना है केवल, और हाई फ्लेम पर हमको इसको भूनना है, लो फ्लेम पे नहीं भूनना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो स्प्रिंग ऑनियन थी उसको भी, अभी यहाँ पे मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और टोमेटो केचप को ऐड किया है। इसको अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे मंचूरियन बाउल को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया है, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे हम, ज़्यादा तेज से नहीं करेंगे, नहीं तो ये बॉल बहुत सॉफ्ट होते हैं तो हो सकते हैं। या आप स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं इसको, ड्राई मंचूरियन को। आप चाहें तो अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी मंचूरियन बनाना है तो आप थोड़ा पानी इसको ऐड करके और वहाँ पे कॉर्नफ्लोर घोल के आप डाल सकते हैं, तो आपका ये ग्रेवी मंचूरियन हो जाएगा। और क्योंकि हमें ड्राई मंचूरियन बनाया है यहाँ पे, तो अब मैंने सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने सर्व कर लिया है और बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे मंचूरियन, और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखना है कि जो हम मैदे का यूज़ करते हैं कॉर्नफ्लोर का बाइंडिंग के लिए, उसको हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उसको हमको बराबर मात्रा में ही रखना है, नहीं तो आपके बॉल हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए बॉल एकदम सॉफ्ट बने हैं मेरे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये मंचूरिया बनाने का तरीका कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे ऑल ऑफ यू।